महादेव कहते हैं कि गंगा मेरी जटाओं से पृथ्वी पर बहती अवश्य है, किंतु अंत में समुद्र में आके मिलना ही उसकी नियति है। उसी प्रकार संतान को भी अपने माता पिता से दूर जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। के बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, वो सत्य नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी सहजता से प्रत्यक्ष होती है, ना कि उसके अहंकार से। अहंकार हमें स्वयं की दृष्टि में बड़ा अवश्य बना देता है, किंतु दूसरे की दृष्टि में हमारा ओछापन प्रतीत होता है। हमारे व्यक्तित्व के दोष उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है यह अहंकार। शक्तिशाली हो जाने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हो। शक्तियों में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पा लें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा, किंतु ये आज का ही सत्य नहीं, ये सत्य शाश्वत है। सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है, उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता। उसे भक्ति का मोह होने लगा है, परंतु उसकी भक्ति तो निस्वार्थ है। अवश्य गणेश, पुष्पदंत ने भक्ति के माध्यम से आज तक अपने लिए कोई कामना नहीं, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है उसे, महत्वाकांक्षी भी नहीं है वो। उसके प्रत्येक कृत्य का उद्देश्य है सच्ची भक्ति। किंतु भक्ति में मोह होने से चिंता किस बात की? भक्ति का मोह भक्त का शत्रु होता है गणेश। इस मोहंद में भक्त ये सोचने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो उचित है, अनुचित कुछ भी नहीं। मोह वो तर्क विरोधी वृत्ति है गणेश, जो किसी सुचिता और पवित्रता का ध्यान नहीं रखती, वो उद्देश्य को भूल जाती है, और इस प्रकार वो प्रायः दोष का स्वरूप ले लेती है। भक्त को सांसारिकता की ओर ले जाती है, और सांसारिकता का आधिक्य बड़े से बड़े भक्त को तारकासुर, रावण और कुबेर में परिवर्तित कर देता है। पुष्पदंत के समक्ष विकल्प अवश्य प्रस्तुत करूंगा, और वो किसका चयन करता है इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है, और यही निर्धारित करेगा उसकी नियति। भक्ति का मोह व्यक्ति से उसका विवेक छीन लेता है गणेश, उसकी संवेदना को भी छीन लेता है।
ऐसे में भक्त केवल विधियों में उलझ जाता है, निष्ठा छूटने लगती है और व्यक्ति आधिक्य को ही भक्ति समझने लगता है। भक्त स्वयं को आराध्य का अभिभावक समझने लगता है, उसे स्वयं ये भ्रम होने लगता है कि पूजा का अधिकार केवल उसे ही है, और यही पुष्पतंत्र ने भी किया है। ये भक्ति नहीं है पुष्पतंत्र, ये भक्ति का मोह है, और जहां मोह होता है वहां भक्ति वास नहीं कर सकती, क्योंकि भक्ति का मार्ग तो मुक्ति का मार्ग है और मोह का मार्ग बंधन। आप मेरी भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। भक्ति की महिमा अधिकार में नहीं, समर्पण में होती है। जब तुमने स्वयं राजा के समक्ष पुष्प अर्पित किया था, उसमें तो केवल तुम्हारा समर्पण भाव था। तुम्हारे मन में ये संपूर्ण विश्वास था कि तुम्हारे आराध्य तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, और उन्होंने रक्षा अवश्य की, क्योंकि एक भक्त के सम्मान का प्रश्न था, उसकी भक्ति का प्रश्न था। किंतु आज पुष्प अर्पित करते समय तुम्हारा भाव समर्पण का नहीं, नियंत्रण का है। तुम तो स्वयं महादेव से अपना सामिप्य सीधा सिद्ध करना चाहते हो। भक्त और भगवान के संबंध को बाहरी प्रमाण से परिभाषित करना चाहते हो। विचार करो पुष्पतंत्र, क्या स्वयं महादेव को यह स्वीकार हो सकता है? और ये शिवलिंग स्वयं अपने साथ यहां लाने से तुमने महादेव के अनेक भक्तों को दुखी किया है। यदि स्वयं महादेव का एक भक्त अन्य भक्तों के दुख का कारण बने, तो क्या महादेव स्वयं उससे प्रसन्न हो सकते हैं?